हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने हमारी इस यूआई को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। हमने ये जो प्रोग्रेस बार एंड इसकी जो रिस्पेक्टिव टेक्स्ट व्यूज है उन्हें ऐड किया था। इस वीडियो में हम लोग ये जो टॉप कंट्रोलर है हमारे प्लेयर व्यू का, इसे ऐड करने वाले, जिसमें एक बैक बटन है, फिर एक टेक्स्ट व्यू है एंड यहाँ पे एक मोर फीचर्स का ऑप्शन है एंड उसके बाद एक लॉक बटन है। सो इन्हें हम लोग ऐड करने वाले एंड साथ में इसे भी ऐड कर ही देंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप इन तीन स्ट्रिंग्स को अपने प्रोजेक्ट में भी कॉपी कर ले। आप चाहो तो डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हो, डैट डजेंट मैटर। एंड आफ्टर डैट ये एक्सो प्लेयर कंट्रोल व्यू, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। एंड ये जो कस्टम कंट्रोल्स है, इसका वर्क उतना ही था जितना हमने लास्ट वीडियो में किया, सो आप इसे क्लोज कर सकते हो। अब जो सारा रिमेनिंग वर्क है हमें इसके अंदर करना है। सो यहाँ पर मैं एक ड्रॉप कंट्रोलर ऐड करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं लीनियर लेआउट का यूज़ करूँगा उसके लिए। सो लीनियर लेआउट एंड आफ्टर डैट विड्थ टू मैच पैरेंट एंड हाइट टू रैप कॉन्टेंट एंड ऑल राइट। एंड इस लीनियर लेआउट के अंदर हमें एक्चुअली वर्क करना है। सो सबसे पहले ये लीनियर लेआउट के हमें कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। सो टॉप कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पैरेंट कंस्ट्रेंट एंड टू एंड ऑफ पैरेंट एंड कंस्ट्रेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। एंड इससे वो तीनों तरफ से सेट हो जाएगा एंड वो हमारी एरर हट जाएगी। एंड आफ्टर डैट अब इसके अंदर हमें व्यूज को इनिशियलाइज करना है या ऐड करना है। एंड वन मोर थिंग, में इसकी ओरिएंटेशन सेट करना चाहूँगा। सो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, ओके। एंड इसे मैं आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आईडी टॉप कंट्रोलर। एंड यू कैन यूज एनी आईडी यू वॉन्ट। एंड सबसे पहले इनके लिए आइकन्स इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो राइट क्लिक ऑन रिसोर्सेस, न्यू वेक्टर असेट। एंड यहाँ पे सबसे पहले लेट्स से प्रीवियस सर्च करते हो, प्रीव या बैक। सो इसका यूज कर लेता हूँ एंड ओके। एंड बैक अंडरस्कोर आइकन, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, फिनिश, न्यू वेक्टर असेट एंड लॉक ओपन, ओके। एंड लॉक अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर आइकन एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड न्यू वेक्टर असेट पॉज। सो दिस वन पॉज अंडरस्कोर आइकन नेक्स्ट एंड फिनिश एंड मैं प्ले भी इंक्लूड कर ही लेता हूँ। सो न्यू वेक्टर असेट प्ले एंड ओके, प्ले आइकन नेक्स्ट एंड फिनिश, ओके। सो अब जो हमारी नेक्स्ट आइकन है, जो कि मेन्यू के आइकन थी, वो मैं एक्चुअली कस्टम बाहर से इंपोर्ट करने वाला हूँ। सो वो आइकन मैंने अपने फोल्डर के अंदर ऑलरेडी रखी है इन द फॉर्मेट ऑफ SVG। सो ये आइकन का मैं यूज़ करना चाहता हूँ। आप कोई भी आइकन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो नाउ राइट क्लिक ऑन रिसोर्सेस, न्यू वेक्टर असेट एंड मैं यहाँ से इम्पोर्ट करना चाहता हूँ उसे। सो यहाँ पर मुझे उसका पैथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड अगर आपको चाहिए तो आइकन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। सो यहाँ पर डाउनलोड्स and random and this menu.svg, just select it and ic underscore menu या menu underscore icon and just click on it and change this dps to 24 and just click on next and finish। so वो icon भी import हो चुकी है। अब हमारे menu को design करना start करते हैं। सो इसके अंदर मैं इमेज बटन्स का यूज़ करने वाला हूँ शो कराने के लिए सबसे पहले। सो इमेज बटन एंड 50 dp एंड दिस टू 50 dp एंड ये एक्चुअली हमारा बैक बटन होगा। सो SRC बैक आइकन एंड बैकग्राउंड टिंट टू एंड्रॉयड ट्रांसपेरेंट एंड आफ्टर डैट
कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड मैं चाहता हूँ बैक बटन एंड आइकन टिंट. सो टिंट इज इक्वल टू वाइट. सो वाइट कलर के आइकन्स दिखनी चाहिए एंड सिंस वाइट इज़ नॉट विजिबल मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. सो बैकग्राउंड एंड हैशटैग 420000 एंड आई होप दिस विल डू आवर वर्क. सो बैकग्राउंड चेंज हो चुका है एंड आइकन भी दिख रही है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ एरर है. सो सेट टिंट एंड इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ एंड आफ्टर दैट इसे मैं इसके बाहर भी पेस्ट करने वाला हूँ. ओके ये एक्चुअली हमारे लॉक के आइकन होगी. सो यू माइट वंडर लॉक के आइकन बाहर क्यों है. सो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बट फिलहाल आप इसे बाहर पेस्ट कर लो एंड इस आइकन के अंदर हमें लॉक चाहिए. सो लॉक ओपन आइकन एंड आफ्टर दैट अब ये आइकन कहाँ दिखाई देनी चाहिए. सो ये आइकन यहाँ एंड में दिखनी चाहिए एंड ये अपर रीजन टू अपर. ओके एंड ये लॉक के आइकन यहाँ सेट हो जाएगी. नाउ इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन में लॉक कर देता हूँ. ऑल राइट एंड मूव अप एंड ये वाली ये जो आइकन है SRC मेन्यू आइकन एंड यहाँ पे मेन्यू दिखाई देगा एंड आफ्टर दैट इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन में मेन्यू कर देता हूँ. सो मेन्यू एंड उसके बाद ये आइकन मुझे यहाँ नहीं यहाँ चाहिए एंड इसके बीच में मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए. सो सिंपली सो टेक्स्ट व्यू एंड विड्थ टू 0 dp क्योंकि यहाँ पे मैं लेआउट वेट का यूज़ करने वाला हूँ एंड हाइट टू मैच पैरेंट. ऑल राइट एंड यहाँ पे लेआउट वेट प्रोवाइड करते हैं. सो वेट इज़ 1 एंड ये देखो आप देखोगे कि पूरी पोजीशन कवर कर ले रही है एंड ये आइकन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसके लिए सेट करने वाला हूँ मार्जिन एंड विच मीन्स एट एंडिंग 50 dp एंड ये दोनों आइकन एक दूसरे से थोड़ी सी दूर हो जाएगी एंड आफ्टर दैट इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना है. सो यहाँ पे टेक्स्ट वीडियो नेम एंड मैं चाहता हूँ सेंटर में हो. सो ग्रेविटी सेंटर एंड आफ्टर दैट मैं वाइट कलर का चाहता हूँ. सो टेक्स्ट कलर वाइट एंड टेक्स्ट साइज टू 16 sp. आफ्टर दैट सिंस मैं चाहता हूँ टेक्स्ट कंटिन्यूसली मूव होता रहे सो उसके लिए मैं सिंगल लाइन एट्रीब्यूट को ट्रू करने वाला हूँ. सिंगल लाइन टू ट्रू एंड उसके बाद हमें दो एट्रीब्यूट्स और भी सेट करने. सो मार्क क्यू. सो मार्क क्यू रिपीट लिमिट इज इक्वल टू फॉर एवर क्योंकि मैं चाहता हूँ टेक्स्ट मूव कंटिन्यूसली करता रहे अगर वो बड़ा टेक्स्ट है तो. सो यहाँ पर एक चीज़ और सेट करनी है एलिप्स साइज एंड विच इज़ मार्क यू. ओके एंड इसके साथ हम लोग वर्क करेंगे एंड इसे मैं एक आईडी भी दे देता हूँ. आईडी वीडियो टाइटल एंड नाउ लेट्स मूव टू आर प्लेयर एक्टिविटी. सिंस ये मूविंग टेक्स्ट होना चाहिए इसलिए हमें यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा. सो सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना. यहाँ पे बाइंडिंग डॉट वीडियो टाइटल डॉट इज सिलेक्टेड टू ट्रू एंड मैं इसका टाइटल भी चेंज करना चाहता हूँ. सो बाइंडिंग डॉट वीडियो टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड यहाँ पे प्लेयर लिस्ट एंड इसके अंदर पोजीशन डॉट टाइटल. नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड हमारे व्यू को चेक करते हैं. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं. लेट्स से मैं किसी वीडियो पर क्लिक करता हूँ एंड आप देखोगे हमारा टॉप कंट्रोलर व्यू दिख रहा है बट टाइटल मूव नहीं कर रहा. सो लेट्स से बैक करते हो एंड किसी दूसरे वीडियो पे क्लिक करते हो जिसका टाइटल बड़ा हो. सो दिस वन एंड हमारा टाइटल मूव कर रहा है एंड अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ देन नथिंग हैपन्स बिकॉज वी हैवंट गिवन फंक्शनैलिटी येट. सो हमारा व्यू अच्छा दिख रहा है. हम इसे फ्यूचर में और मॉडिफाई करने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.